जिस तलबा और तालिबात हम बीएससी बीकॉम एसएल उर्दू पर्चा नंबर 3 गजल नज़म और इल्मे बयान का मुतालबा कर रहे हैं। हमने कल सारे निसाब पर गुफ्तगू की के शामिल निसाब इन तीन अबवाब तीन हिस्सों एक गजल दूसरा नज़म और तीसरा इल्मे बयान के ताल्लुक से हमको गुफ्तगू करना है। निसाब में मौजूद गजल के शोरा पर हम मुख्तसर सी नज़र डालेंगे, शोरा की गजलों का जायजा लेंगे, नज़म की शोरा का मुख्तसर सा जायजा तारुफ हासिल करेंगे, नज़मों का मुकम्मल जायजा लेंगे। उसी के साथ साथ इल्मे बयान में जो नुकात हमको दिए गए हैं ग्रामर के उसके ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले जो निसाब में शामिल हमको मौजू है गजल, गजल के ताल्लुक से हम गुफ्तगू करते हैं। अजीज तलबा तालिबात, दरअसल गजल के ताल्लुक से हमने बहुत सारी गुफ्तगू पहले भी की है। अब मुताले से पहले मैं आपके सामने आमुक्ता गरी कर जाता हूँ किताब, ताकि जो असनाफ शेरी हमारे सामने आए आपके जहनों में नज़म गजल कसीदा मरसिया मसनवी इसका फन और इसके मौजूआती आहंग जहन में रहे, ताकि अगर कोई शेर कोई शेरी सिर्फ आपको अपनी जिंदगी में लिखने पढ़ने बोलने सुनने समझने का मौका मिले तो आपको ये एहसास हो कि मैं किस शेरी सिर्फ को बरत रहा हूँ, किस शेरी सिंफ में मैं दस्तरत हासिल करना चाहता हूँ, किस शेरी सिंफ को मैं पढ़ रहा हूँ, या जो मैं पढ़ रहा हूँ जो लिख रहा हूँ जो सुन रहा हूँ, क्या ये शेरी सिंफ मैं गजल लिख रहा हूँ तो क्या ये शेरी सिंफ मुकम्मल तौर पर गजल के सिंफ पर आती है या और कुछ हो रही है। इसलिए मुख्तसरन गजल के फन पे बहस करेंगे बात करेंगे ताकि आपके जहन में गजल का एक मुकम्मल नक्शा हो, यानी उर्दू अदब में गजल जैसी सिंफ एक वाहिद सिंफ है या और भी कोई है, या आप गजल कहना चाहते हैं तो गजल किस तरीके से होगी हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद गजल के असातिज़ा गजल की जो शोरा शामिल निसाब है इनका हम मुताला करेंगे। तालिबात, गजल के लघवी माना, गजल दरअसल अरबी लफ्ज है जिसके माना है हरम की आंख के, और लफ्जी माना यूं भी बयान किए जाते हैं कि औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना या औरतों के मुताल्लिक बातें करना। अजीज तलबा, गजल दरअसल अरबी कसायद का तमहीदी हिस्सा तजबीब का हिस्सा होता है जो कि फारसी में आकर एक मुकम्मल बाज़ाब्ता मुख्तलिफ सिंफ की शक्ल अख्तियार कर गई और वो गजल कहलाए, और फारसी से जब उर्दू में गजल आई तो गजल ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना एक मजबूत खाका और एक मजबूत तारुफ मुस्तहकम किया है। जैसे फारसी से पहले गजलें बाज़ाब्ता तौर पर एक गजल बाज़ाब्ता तौर पर एक मुख्तलिफ सिंफ़ सुख नहीं हुआ करती थी बल्कि अरबी कसायद का तमहीदी या तजबीब का हिस्सा गजल कहलाता था, गजल कहलाता नहीं था बल्कि तजबीब कहलाता था। लेकिन जो इब्तदाई हिस्सा कसायद का फारसी में आया, फारसी कसायद में आया, तो फारसी शोरा ने अपनी सवाबगीर अपनी सलाहियतों को बरोकार लाकर उसी हिस्से को एक मुख्तलिफ सिंफ सुकून की शक्ल में ढाल दिया और जो बहुत तरक्की की गई। फारसी शोरा ने गजल में औरतों के मुतालिक हुस्न व इश्क की बात, नाज़ो अंदाज़ की बात, दम्बो गुफ्तार की बात को करना शुरू किया, और यही फारसी शोरा ने
जब उर्दू में गजल कही तो जो फारसी गजल के मौजूआत थे और जो गजल फारसी में जिन माना में ली जाती थी और जिस फॉर्म में जिस फन को बदले कार लाते हुए बरतते हुए जिस उसलूब को बरतते हुए फारसी में गजलें कही जाती थी वही उर्दू में भी कहने जाने लगी। यही गजल जब फारसी से उर्दू में आई तो इस गजल ने उर्दू में अपना एक मुकम्मल जहां तश्कील दिया, अपना एक मुकम्मल तशक्कुस बनाया। जैसे कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, रुबाई है, नजम है और गजल है और इसकी जिमनी पहलू जिमनी असनाते शेरी और भी है, लेकिन अगर हम इन असनाते शेरी का तकाबुली मुताला गजल से करें तो हमको मालूम होगा कि कसीदा बादशाही निजाम की देन थी, बादशाही निजाम खत्म हुआ, कसाई का रिवाज भी खत्म हो गया। इसी के साथ अगर हम मरासी का मसनवी का देखते हैं तो हमको मालूम होगा कि मसनवी भी फुर्सत के औकात की देन थी, बादशाही निजाम की देन थी, दास्तानों का मंजूम तरीके से पेश किया जाना ये मसनवी के मौजूआत थे। किस्सा दर किस्सा मसनवियों के अंदर जिस तरीके से नसरी पैराए में दास्तान को पेश किया जाता था इसी तरीके से इसमें मसनवियों को पेश किया जाने लगा। तो बादशाही निजाम खत्म हुआ तो ये मसनवियां भी खैरबाद हुई। मरसिया दरअसल वाकयात करबला पर और इसके अंदर हजरत हुसैन की शहादत के वाकयात, हजरत हुसैन की सफर मदीना से लेकर करबला तक के सफर की उदाद, नो आ बैन मुबका शहादत रम्ज, ये सारी चीजें मरसिये के अंदर थी और मरसिया एक तबके की तशक्कुस की अलामत बन गया। शिया मसलक में मुहर्रम में मरसियों को पढ़ा जाना सवाब समझा जाने लगा और एक मजहब की इबादत का जुज बन गया। इसलिए मरसिया मुख्तसर जिस वक्त इस मजहब का गलबा रहा मरसिये आम रहे, लेकिन जैसे ही मजहब का गलबा खत्म हुआ तो ये मरसिये कहने का रिवाज भी कम हुआ। खत्म तो नहीं कह सकते लेकिन यकीनन कम हुआ है। लेकिन गजल जो रोजे अव्वल से चली है तो आज तक अपने बुनियादी उसूल और जवाबित के साथ, अपने फन की खूबसूरती के साथ, अपने सारे उसूल और जवाबित के इंतजाम के साथ गजल ने उर्दू से निकलकर अपनी हैयत साफ फन और तराकीब को दूसरी जुबानों के अंदर भी मुतारिफ करवाया। उर्दू गजल सिर्फ उर्दू में महदूद नहीं रही, उर्दू गजल का दायरे सिर्फ उर्दू जानने वालों तक महदूद नहीं रहा बल्कि उर्दू ने अपने तकद्दुल के जादू से हिंदुस्तान में पाई जाने वाली दूसरी दिगर बड़ी जुबानों को भी मुतासिर किया। हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि अगर हम देखते हैं तो मालूम होता है आलमी अदबियात में आज अंग्रेजी जबान, रशियन जबान, तुर्की जबान और हिंदुस्तानी अदबियात में तेलुगु, मराठी, हिंदी, मलयालम, बल्कि जो बड़ी बड़ी जुबानें हिंदुस्तान में लिखी पढ़ी और बोली जाती हैं इन सारी जबानों में गजल लिखी पढ़ी जा रही है। इसलिए मैंने नहीं कहा था कि आलमी अदबियात में एक जादू है जिसका नाम गजल है। गजल इब्तदाई दौर से ही अपने फॉर्म के साथ, अपने फन के साथ सारी खूबसूरतियों को लेते हुए अपने मौजूआती आहम को तब्दील करते हुए जमाने के साथ आंख से आंख मिलाकर चल रही है। गजल की बुनियादी चीज
जिसने सबको मुतासिर किया, आलमे अदबियात को मुतासिर किया, जिसे जादू कहा जाए वो तगज़ुल है, गजल का तगज़ुल है। शहंशाह तगज़ुल, हसरत मोहानी के ताल्लुक हम जानते हैं जिन्हें शहंशाह तगज़ुल किया जाता है। तो ये गजल की दिनायत और गजल के तगज़ुल ने आलमी अदबियात को मुतासिर किया और लोग इसकी बिनायत और तगज़ुल से मुतासिर होकर आज आलमी अदबियात में हर बड़ी जबान में गजल कही जा रही है। बहरहाल ये था गजल की बात। अब गजल लिखी कैसी जाती है, गजल पढ़ी कैसी जाती है, हम देखते हैं कि गजल का पहला शेर जो हम काफिया और हम रदीफ होता है वो मतला कहलाता है। गजल का पहला शेर जो हम काफिया और हम रदीफ होता है वो मतला कहलाता है। इंशाल्लाह मतला मख्ता ये सारी चीजें मिसाल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। गजल का दूसरा शेर जो हम काफिया और हम रदीफ हो वो हुस्ने मतला कहलाता है, हुस्ने मतला कहलाता है। और गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसको मख्ता कहते हैं, मख्ता कहते हैं। और गजल का जो लाजमी गुस है वो काफिया है, काफिया है। और दूसरा जो लाजमी गुस है वो रदीफ है। जो गजलें, बहुत सारी गजलें बगैर रदीफ के भी कही जाती हैं, लेकिन बगैर काफिये के कोई गजल मुकम्मल नहीं होती। इसलिए बहुत सारी गजलें हमको गैर मुरद्दिफ भी नजर आती हैं, लेकिन बगैर कवाफी के कोई गजल नजर नहीं आती। एक मतला, गजल का पहला शेर मतला, जैसे बात दूसरा लफ्ज़ की गजल लगता नहीं है, दिल मेरा उड़े दयार में किसकी बनी है, आलम में ना पायदार में, ये जो है आलम लगता नहीं है, दिल मेरा उड़े दयार में किसकी बनी है, आलम में ना पायदार में, ये दयार में ना पायदार में, ये जो इस तरीके से काफिया रदीफ, पहले शेर में काफिया रदीफ का इस्तेमाल हुआ ये मतला कहलाता है। जैसे आखिरी शेर कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी मिलना सकी कोई यार में, इस गजल इस शेर में शायर ने अपना तालुक के बहादुर शाह जफर की गजल थी, जफर अपना नाम पेश किया, अपने तालुक पेश किया, वो मख्ता कहलाता है। काफिया हमने देखा पायदार में ना पायदार में, जैसे कि पूरी गजल देखिए लगता नहीं है, दिल मेरा उड़े दयार में किसकी बनी है, आलम में ना पायदार में, उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन द्वार में कट गए, जैसे पहले मिसरे में दयार में ना पायदार में इंतजार में, ये जो लफ्ज है ये रदीफ है, लगता नहीं है दिल मेरा, ये काफिया है, सॉरी ये काफिया है, लगता नहीं है दिल मेरा उड़े दयार में, दयार काफिया है में रदीफ है, इंतजार काफिया है में रदीफ है, और कुए यार यार काफिया है में रदीफ है। इस तरीके से एक मुकम्मल गजल के लिए इस तरीके पांच चीजों के पांच लवाजिम का होना बेइंतेज़ाही लवाजिम का होना जरूरी है। अब इसके अलावा गजल औज़ान और बहर में भी लिखी जाती है, उस पर भी हम लोग तफसील में गुफ्तगू यहाँ पर जिस वक्त हम इल्म बयान में आएंगे यहाँ पर बहर और औज़ान पर बात करेंगे। और गजल का एक शेर, गजल की सबसे ज्यादा जामियत में है कि कमियत में जामियत का तासुर देती है। गजल का एक शेर मुकम्मल इकाई होता है, एक शेर में शायर अपनी मुकम्मल बात कह जाता है। गजल के किसी मौजू को समझने के लिए कारी को किसी गजल के एक किसी एक मौजू को समझने के लिए किसी दूसरे शेर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि दो मिसरों के अंदर, दो मुख्तसर से मिसरों के अंदर शायर अपना पूरा मुद्दा पूरा मौजू बयान कर जाता है। गजल की दूसरी सबसे बड़ी खूबसूरती जैसे जिनायत तगज़ुल है, इसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबसूरती कमियत में जमीयत का है। दो मिसरों में एक शेर में पूरी मुकम्मल बात का कह जाना ये गजल की खूबसूरती है, इसलिए भी गजल को बहुत मकबूल भी और बहुत पसंद किया जाता है। जैसे यही शेर देख लीजिए कि इस शेर को समझने के लिए किसी दूसरे शेर की बहाने की जरूरत नहीं, या दूसरे या इस शेर के खुलासे को पेश करने के लिए भी किसी दूसरे शेर की जरूरत नहीं कि लगता नहीं है दिल मेरा उड़े दयार में किसकी बनी है आलम में ना पायदार में, बात मुकम्मल हो गई। शायर कह रहा है कि ये दुनिया है, इस दुनिया में मेरा दिल नहीं लगता और मैं देखता हुआ आया हूँ कि इस दुनिया में किसी की किसकी बनी है, इस दुनिया में किसी की बनी नहीं, ये
दुनिया नापायदार है, खत्म होने वाली है, किसी के लिए मुकम्मल नहीं है, ये दुनिया खत्म होकर ही रहेगी। इस तरीके से ये गजल की जो गजल शामिल निसाब उनको मुताला करना है। ये गजल का मैंने मुख्तसर का फॉर्म आपके सामने रखा हूँ, मुख्तसर सी चीजें आपके सामने रखा हूँ, ताकि जब हम गजल के शोरा का मुताला करें, जब हम गजल का गुफ्तगू करें और गजल के फॉर्म और गजल के फॉर्म को मुख्तसर साहब जैसी जैसी मूवी बहन बनाते चले, तो आपके जहन में ये रुकात रहे कि भाई जो गजल का शेर पढ़ा जा रहा है ये मतला है, जो शेर पढ़ा जा रहा है ये मख्ता है, गजल का ये रदीफ है, गजल का ये खाकियां है, गजल का बयानिया ये है, गजल का उसलूब ये है, गजल का मौजू ये है। हाँ, अब जैसे हमने एक बात कही थी कि गजल की मकबूलियत की तीसरी वजह ये भी रही कि गजल को पहले गजल को कहा जाता था कि गजल का बुनियादी मौजू हुस्न-ओ-इश्क है, बात सही है, लेकिन गजल ने जमाने के साथ साथ अपने मौजूआत में उसत बख्शी और गजल ने हुस्न-ओ-इश्क के दरार से निकल कर भी, हुस्न-ओ-इश्क की गलियों से निकल कर भी, महबूब और मासूम की गलियों से निकल कर भी, नाज़ो अंदाज़ की गलियों से निकल कर भी दुनिया की हर मौजू को, इंसान की जाहिरी और कल्बी हर मुदाद को और ज़ात से लेकर कायनात के हर मौजू को अपना हिस्सा बनाया है। ये भी गजल की तीसरी सबसे बड़ी गजल की मकबूलियत की वजूहत रही है कि गजल ने जमाने के साथ अपने आप को बदला और गजल ने अपने आप को पेश किया है। तो हमको जमानी एतबार से हजरत मोहन जमानी एतबार से अमीर खुसरो से लेकर हमको औरंगाबाद के शायर जेपी सईद तक की गजलों का मुताला करना है, वली औरंगाबाद ही से लेकर हमको शाह हुसैन नहरी तक की गजलों का मुताला करना है, तो हमको जमानी एतबार से गजल का फन भी समझ में आएगा, गजल के मौजूआत भी समझ में आएंगे, गजल ने किस तरीके से क्लासिकियत से जदीदियत तक का सफर किया, ये सारे मौजूद हमारे यहाँ पर समझ में आएंगे इंशाअल्लाह। अगले बाप में हम शामिल निसाब गजलों का मुताला और शायर का मुताला लेंगे इंशाअल्लाह।